दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है एपिडिडाइमाइटिस। एपिडिडाइमाइटिस एक इन्फेक्शन है एपिडिडिमिस नामक एक ग्लैंड का, और ये ग्लैंड जो है ये हमारे जो टेस्टिस है, जो हमारी गोली है, उसके पीछे एक लंबी सी ग्लैंड होती है। जो स्पर्म्स हमारे टेस्टिस में बनते हैं वो स्पर्म्स इस एपिडिडिमिस के थ्रू होते हुए हमारे वास डेफरेंस नामक एक नली से होते हुए पेशाब के रास्ते में निकलते हैं। दोस्तों, बहुत बार पेशेंट्स को लंबे समय से स्क्रोटल पेन होता है, यानी अंडकोश में दर्द रहता है, जिसका एक प्रमुख कारण है एपिडिडाइमाइटिस। दोस्तों, पांच प्रमुख कारण है एपिडिडाइमाइटिस होने के। सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो मैंने देखा है अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में वो है कि कई बार पेशेंट्स को यूरिन करने के रास्ते में कोई ब्लॉकेज होती है, जिसकी वजह से उनका फ्लो, जो यूरिन का प्रवाह है, वो टर्बुलेंट हो जाता है, यानी कि वो सीधा नहीं आता, काफ़ी वेग के साथ ऊपर नीचे होते हुए आता है, जिसको हम टर्बुलेंस बोलते हैं, और ऐसे में कुछ यूरिन हमारे एपिडिडिमिस में चला जाता है। तो दोस्तों, ये जो हमारी टेस्टिस है इसके ऊपर ये ग्लैंड है एपिडिडिमिस। एग्जामिनेशन पे इसको देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत छोटी सी ग्लैंड होती है, टेस्टिस के पीछे होती है, तो बहुत सारे लोग जो एक्सपीरियंस नहीं है इसे देखने में, वो इसको पकड़ कभी कभी नहीं पाते। अब जो एपिडिडिमिस है, इससे जो नली निकलती है इसको हम वास डेफरेंस कहते हैं, और ये वास डेफरेंस हमारे मसाने या ब्लैडर्स के पीछे से होती हुई हमारे यूरिन के रास्ते से जाके मिलती है, और ये जो नली है जिससे मिलती है इसको हम इजैक्यूलेटरी डक्ट कहते हैं। ये पेशाब का हमारा नॉर्मल रास्ता है। अब फ़र्ज करेंगे किसी को पेशाब में रुकावट है और वो पेशाब जोर से लगा के करते हैं, तो ये फ्लो टर्बुलेंट होने की वजह से इस रास्ते में कभी कभी चली जाती है, आगे से खुल के पेशाब नहीं निकल पाता, और उस कंडीशन में ये पेशाब जो है ये इस इजैक्यूलेटरी डक्ट से होते हुए, इस वास डिफरेंस से होते हुए, ये हमारे एपिडिडिमिस तक चला जाता है, और फिर वहाँ पे ये केमिकल एपिडिमाइटिस कर देता है, यानी कि यहाँ पे एक इन्फ्लेमेशन यानी सूजन कर देता है, जिसमें कोई बैक्टीरिया हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, डिपेंडिंग ऑन दैट हम इसको या तो बैक्टीरियल एपिडिमाइटिस कहते हैं या केमिकल एपिडिमाइटिस कहते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जो प्रमुख कारण है एपिडिडाइमाइटिस होने के, वो हैं या तो STD, यानी कि पार्टनर के थ्रू आपको ये इन्फेक्शन आ सकता है, या अगर आपके यूरिन में कोई इन्फेक्शन हो या बॉडी में कहीं और इन्फेक्शन हो तो ब्लड के जरिए वो ट्रैवल करता हुआ एपिडिडिमिस में आ सकता है। कभी कभी ट्यूबरक्लोसिस यानी TB की वजह से भी एपिडिडाइमाइटिस हो सकता है, और इसमें एक अजीब सी गांठ हमें फील हो जाती है, जिससे हम कई बार सस्पेक्ट करते हैं या हमें शक होता है कि ये TB हो सकता है, और फिर उसकी जाँच पड़ताल करके उसको ठीक किया जा सकता है, और रेयरली कभी कभी चोट लगने से भी एपिडिडाइमाइटिस हो सकता है। तो ये हैं पाँच प्रमुख कारण एपिडिडाइमाइटिस होने के। एपिडिडाइमाइटिस का डायग्नोसिस बनाने के लिए हमें क्लिनिकली आपको एग्जामिन करना होता है, यानी पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उनकी बॉल्स को चेक करते हैं और अलग से फील करते हैं एपिडिडिमिस को। ये हर डॉक्टर के लिए पॉसिबल नहीं है इसको फील करना, क्योंकि इसके लिए काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए, काफ़ी बार ये किया होना चाहिए, तब आप पहचान पाते हैं कि क्या ये एपिडिडिमिस नॉर्मल है या ये सूजी हुई है। तो आमतौर पर जब हम पेशेंट्स को एग्जामिन करते हैं तो पेशेंट को दर्द होता है, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब इस पर्टिकुलर जगह पे दर्द है, ऊपर नहीं, गोली में नहीं, कहीं और दर्द नहीं होता, उन्हें सिर्फ एपिडिडिमिस को दबाने पे दर्द महसूस करते हैं। ऐसे में हम एक क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाते हैं एपिडिडाइमाइटिस का। अगर आप मुझे कोई अल्ट्रासाउंड भेजें या आप चाहें डॉक्टर साहब ये फ़ोन पर चेक कर लीजिए कि है कि नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए मरीज़ को बाकायदा देखा जाता है, यहाँ पर बुलाया जाता है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है इसके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा इसकी इवैल्यूएशन के लिए, इसके आगे के इलाज के लिए हम कभी कभी अल्ट्रासाउंड का सहारा लेते हैं, जब हमें शक होता है कि एपिडिडाइमाइटिस के अलावा कोई और सिस्ट हैं या कोई गांठें हैं या वहाँ कोई और सूजन है या हाइड्रोसील है या कभी कभी वेरिकोसील का शक होता है। ये सभी कारण हैं जिनके अंदर भी स्क्रोटम में यानी गोलियों में दर्द पेशेंट को हो सकता है। तो कभी कभी हम अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं, करीब करीब 100 में से कोई 5-7 पेशेंट्स का हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, बाकी सब पेशेंट्स का डायग्नोसिस ये क्लिनिकली ही बनता है। दोस्तों, कभी कभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूरिन की ब्लॉकेज की वजह से भी यूरिन एपिडिडिमिस में जाता है और एपिडिडाइमाइटिस कर सकता है, तो हम काफ़ी पेशेंट्स में यूरोफ्लोमेट्री का एक टेस्ट भी कराते हैं। इस टेस्ट में जो मरीज़ हैं एक मशीन में यूरिन करते हैं और उससे एक ग्राफ मिलता है जिससे हमें पता लगता है कि इनके यूरिन में ब्लॉकेज है या नहीं, या कोई गलत तरीके से पेशाब तो कहीं मरीज़ नहीं कर रहा, जिसको हम डिसफंक्शनल वॉइडिंग कहते हैं। इस तरह के कुछ कारण हमारे सामने आते हैं और फिर उनका जो इलाज होता है उसको हम करते हैं, ताकि ये एपिडिडाइमाइटिस जो है इसको जड़ से ठीक किया जा सके। इस समय मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों कि एपिडिडाइमाइटिस जो है वो खुद एक बीमारी नहीं है, वो एक किसी ना किसी बीमारी का लक्षण हो सकता है, जैसे कि ब्लॉकेज हुआ यूरिन में, और इसी तरह से TB या और भी कुछ बीमारियाँ जिनके अंदर एपिडिडाइमाइटिस के तरह ही पेशेंट प्रेजेंट करते हैं।
दोस्तों एक बार जब हमने एपिडर्माइटिस का ट्रीटमेंट शुरू किया, तो अगर ये रिसेंट है यानी कि बहुत अभी रिसेंटली ही आपको ये इन्फेक्शन हुआ है या कुछ महीनों से ये चल रहा है, तो इलाज से बहुत अच्छा फर्क मरीज को महसूस होता है। करीब 2 हफ्ते के अंदर ही 15-20% रिलीफ पेशेंट बताते हैं। और आमतौर पर मैं अपने मरीजों को 2 हफ्ते के अंतराल पर एक बार बुलाता हूँ चेक करने के लिए कि दवाई काम कर रही है या नहीं कर रही, कहीं उसे बदलने की कोई ज़रूरत तो नहीं है। आमतौर पर इसका इलाज 6 हफ्ते तक चलता है और 6 वीक्स में मरीज़ ज़्यादातर 80% रिलीफ महसूस करते हैं। जब हम उनके बॉल्स को वापस चेक करते हैं, गोलियों को दोबारा जांच करते हैं, तो ये दर्द फिर उनको नहीं होता जो शुरू शुरू में उनको दर्द महसूस हुआ था। दोस्तों पर बहुत सारे मरीज ऐसे भी हैं जिनको ये एपिडर्माइटिस बहुत समय से है, सालों से चलता आ रहा है, और ऐसे मरीजों के लिए इलाज जो है वो थोड़ा सा लंबा रहता है, क्योंकि एपिडर्माइटिस की जो इन्फेक्शन है वो ठीक होने के बाद भी जो वहाँ सूजन हो गई है काफ़ी समय से जो है, उसमें जब नसें फंस जाती हैं तो दर्द उनको निरंतर चलता रहता है। ऐसे मरीज़ बार बार मेरे पास आते हैं, थोड़े परेशान भी रहते हैं, उनको मैं बार बार उनको दिलासा देता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ कि जैसे जैसे नर्व्स ग्रो करेंगी दोबारा, इनमें जैसे जैसे इनमें रिपेयर होगा वैसे वैसे दर्द धीरे धीरे चला जाएगा। दोस्तों इस तरह से मरीज़ जो हैं क्रॉनिक एपिडर्माइटिस वाले, वो यूजली 100 में से 10 मरीज़ होते हैं जिनमें ये दर्द 3 से 6 महीने का समय ले सकता है या ज़्यादा भी ले सकता है। क्रॉनिक एपिडर्माइटिस के साथ एक और दिक्कत है दोस्तों, क्योंकि ये स्पर्म्स का रास्ता है, तो अगर इसमें लंबे समय से इन्फेक्शन हो तो कभी कभी ये रास्ता परमानेंटली डैमेज हो सकता है, जिससे फिर स्पर्म्स के आने में प्रॉब्लम होती है, या स्पर्म्स जो हैं वो मरे हुए आते हैं, या स्पर्म्स की मोटिलिटी कम होती है, या उनका अमाउंट कम होता है। तो इस तरह के फीचर्स भी मैं बहुत सारे पेशेंट्स में देखता हूँ जो इनफर्टिलिटी के साथ मेरे पास आते हैं, और फिर उनमें क्रॉनिक एपिडर्माइटिस का डायग्नोसिस हम बनाते हैं। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि इलाज के बावजूद भी, क्योंकि इतना पुराना इन्फेक्शन है, काफ़ी बार दर्द दिमाग में भी जाके बैठ जाता है, तो हम कई तरह की दवाइयाँ देते हैं, सेंट्रली एक्टिंग पेन किलर्स भी देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स भी कभी कभी हमें देने होते हैं, कभी कभी हम लॉन्ग टर्म एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन को कम करने की दवाइयाँ भी देते हैं, फिर भी उसके बाद भी ये दर्द ठीक नहीं होता दोस्तों। तो ऐसे कंडीशन में हम एक सर्जरी करते हैं जिसको हम माइक्रोस्कोपिक स्पर्मेटिक कॉर्ड डीनर्वेशन कहते हैं, यानी कि जो दर्द ले जाने वाली नसें हैं उनको हम काट देते हैं, और इससे मरीज जो हैं वो एक सुकून की ज़िंदगी जी पाते हैं। दोस्तों जब ये ऑपरेशन हम स्पर्मेटिक कॉर्ड डीनर्वेशन का करते हैं, तो करीब 70-80% मरीजों को इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। करीब 20-30% मरीजों में तो दर्द पूरी तरह चला जाता है, और बाकी मरीजों में दर्द काफ़ी कम हो जाता है, सहने लायक हो जाता है, और फिर कुछ समय तक हम अगर वेट करें तो ये दर्द चला जाता है। 10-20% मरीज़ ऐसे भी होते हैं दोस्तों जिनके अंदर स्पर्मेटिक कॉर्ड डीनर्वेशन के बाद भी आराम नहीं आता, और ऐसे मरीजों में हमें काफ़ी सोच समझने के बाद या तो एपिडर्मिस को निकालना पड़ता है या पूरी गोली को भी निकालने की सोचनी पड़ती है। दोस्तों अगर आपको एपिडर्माइटिस है या ऐसा कुछ दर्द आपके स्कोटम में है, तो कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा जिनका परहेज आपको करना जरूरी है। एक तो भारी वजन उठाना थोड़ा अवॉइड करेंगे, जिन भी एक्सरसाइज से पेट का प्रेशर बढ़ता है उन एक्सरसाइज को हमें अवॉइड करना होगा। अगर आप रनिंग जॉगिंग ये सब करना चाहते हैं, तो स्क्रोटल सपोर्ट या लंगोट या एक वी शेप के टाइट अंडरवेयर का इस्तेमाल करने से ये जो गोलियां हैं लटकती कम है, और उससे काफ़ी आराम मरीजों को रहता है। दोस्तों इसके अलावा ज़रूरी है कि जो यूरिन करते हैं उस समय भी आपको यूरिन जबरदस्ती या जल्दबाजी में नहीं करना, यूरिन को लंबा होल्ड ना करें, जोर एक्स्ट्रा लगा के प्रेशर एक्स्ट्रा लगा के यूरिन को ना करें, बिल्कुल रिलैक्स होकर यूरिन को करना सीखें, इससे भी यूरिन एपिडर्मिस में जाना काफ़ी कम हो सकता है और आपको आराम की उम्मीद मिल सकती है। दोस्तों आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मिली होगी एपिडर्मिस के बारे में और एपिडर्माइटिस के बारे में, जो कि एक प्रमुख कारण है गोलियों में दर्द का। अगर आपको और कोई सवाल हो इससे संबंधित, तो आप हमसे ज़रूर पूछें, हम उनका जवाब आपको अवश्य देंगे।